चलिए सबसे पहले जयपुर की बात करते हैं। राजधानी में सरकार जनसंपर्क पर निकली है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसंपर्क कर रहे हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब सचिन पायलट जनसंपर्क पर निकले। बापूनगर के कृष्णा मार्ग पर डोर टू डोर कैंपेन के तहत वोट के लिए हर परिवार को, हर घर को, हर दरवाजे को दस्तक दी है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी डोर टू डोर संवाद करते नजर आएंगे। और जब हम ये कह रहे हैं कि सरकार प्रचार करने के लिए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, मेयर विष्णु लाटा हैं, कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल मौजूद हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में वोट मांगे जा रहे हैं, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा है। और लोग भी अपने बीच डिप्टी सीएम को पाकर काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है और साथ ही आप तस्वीरों में अन्य कांग्रेसी दिग्गजों को भी देख पाएंगे। अर्चना शर्मा उनके साथ मौजूद हैं, मीडिया चेयरपर्सन है कांग्रेस की, विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी भी थीं, वो भी जनसंपर्क पर निकली हैं। हर चेहरे की जयपुर में अपनी अपनी एक यूएसपी है जो दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोवर्धन, ये आज जिस तरह से जयपुर शहर सीट के लिए प्रचार हो रहा है, क्या ये डिसाइड किया गया है कि कहां से कहां तक डोर टू डोर दस्तक दी जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पर बापूनगर में कृष्णा मार्ग है, उस कृष्णा मार्ग पर यहाँ जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है। यहाँ डोर टू डोर जाकर के लिए जाकर और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये सारे नेता घर घर जाकर के और वोट मांगने की शुरुआत करेंगे। एक सिंबॉलिक तौर से ये कैंपेन है जिसमें हर घर में जाकर के और पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने का ये कैंपेन शुरू किया गया है। ये प्रयोग गुजरात में भी किया गया था, उस दौरान भी, गुजरात चुनाव के दौरान भी डोर टू डोर कैंपेन पार्टी की वरिष्ठ नेताओं ने किया था और उसके बाद जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे वो एक्टिवेट हुए थे। उसी प्रयोग के तहत यहाँ पर जयपुर की सीट पर भी ये प्रयोग किया गया है। मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठ नेता कृष्णा मार्ग पर आज यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन का अपना एक महत्व भी होता है। आम आदमी के पास अगर बड़े नेता जाकर के वोट मांगते हैं तो उसका एक मानना है कि राजनीतिक तौर से बड़ा फायदा मिलता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर बापूनगर उनका काफिला पहुंच गया है और थोड़ी देर बाद में यहाँ से जो घर है कृष्णा मार्ग के, वहां पर एक एक घर में जाकर के और ये सभी नेता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और यहाँ के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। जी जाहिर तौर पर। और गोवर्धन, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अमूमन जब सरकार के इतने बड़े चेहरे सड़कों पर उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं का ही मानो लाव लश्कर सा जमा हो जाता है, लेकिन काफ़ी डिसेंट तरीके से इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, क्या कुछ आपने देखा अब तक? देखिए, अभी यहाँ पर 9 बजे का वक्त था लेकिन 1 घंटे देरी से ये जो कैंपेन है ये शुरू होगा, क्योंकि अभी कैंपेन का वक्त है और अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, तो लिहाजा एक जगह पूरी ताकत में लगा करके और अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में ये कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कैंपेन की शुरुआत अब थोड़ी देर में यहाँ पर हो जाएगी। घरों में जाकर के और वोट मांगने का ये जो कैंपेन है ये लोकसभा चुनाव में पहले शुरू किया गया है। गोवर्धन, मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए। हर परिवार तक पहुंच बनाने की कोशिश होगी, हर घर हर दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश होगी ताकि वोट की अपील की जाए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सीएम के साथ हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, कांग्रेस की बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, अर्चना शर्मा मौजूद हैं इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, विष्णु लाटा जो कि
मेयर हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो नज़र आ रहा था कि कार्यकर्ताओं की संख्या सीमित नज़र आ रही थी, शायद रणनीति रही होगी डिसिप्लिन रहने की और डिसेंट रहने की, लेकिन अब सीएम के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। ये डोर टू डोर कैंपेन धीरे धीरे ही सही लेकिन अब रोड शो की शक्ल ले चुका है। गोवर्धन आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी गोवर्धन, हम ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, उम्मीद है कि इस बीच मीडिया से भी एक दो बार बातचीत होगी। ये पहला घर जहां पर वोट के लिए दस्तक दी जा रही है, जो लोग दरवाजे पर खड़े हैं उनसे वोट की अपील कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कई लोग उत्सुकतावश वैसे ही घर के बाहर हैं और अमूमन जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो घरों के बाहर ही लोग आ जाते हैं उत्सुकतावश देखने के लिए क्या चल रहा है, और फिर जब अपने सामने सीएम का चेहरा देखते हैं तो कुछ पलों के लिए हक्के बक्के रह जाते हैं, बड़ी आत्मीयता से मिलते हुए। और वोट अपील के शायद पर्चे हैं जो मुख्यमंत्री के हाथ में हैं, वो घर के दरवाजों पर खड़े लोगों को बांट रहे हैं। गोवर्धन, जो मैं कह रहा था, काफ़ी डिसेंट तरीके से और काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से रखने की रणनीति की गई और धीरे धीरे आखिरकार इस डोर टू डोर कैंपेन ने रोड शो की शक्ल ले ही ली। बिल्कुल, देखिए ये जो फॉर्मूला है डोर टू डोर जाकर के और पर्चे बांटना, प्रचार सामग्री बांटने का, ये तरीका गुजरात चुनावों में अपनाया गया था और कांग्रेस को गुजरात में काफी सफलता भी मिली थी। हालांकि वहां पे सरकार भले न बनी हो लेकिन कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो बहुत अच्छे मार्जिन से अच्छे तादाद में इंक्रीज हुआ था। तो ये फॉर्मूला अब हर चुनाव में अपनाया जाता है, जो बड़े नेता है वो डोर टू डोर जाकर के एक सिम्बोलिक तौर से ही सही लेकिन कैंपेन जरूर करते हैं और इसका फायदा जिस तरह गुजरात में मिला था उसके बाद हर स्टेट में करने का फैसला किया और अब लोकसभा चुनाव में भी यही फार्मूला अपनाया गया है। आगे अब लोकसभा चुनाव में देखना होगा, बाकी जयपुर से शुरुआत हो चुकी है, कैंडिडेट हैं वो किस तरह से जाकर के और इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज यहाँ बापूनगर में मुख्यमंत्री खुद घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, ये तस्वीरें सबसे पहले गुजरात चुनाव में दिखी थी और ये अब यहाँ पर भी बापूनगर में जयपुर में देखने को मिल रही है। जी, जाहिर तौर पर, और जैसा कि आप बता रहे हैं गुजरात चुनाव में सीएम अशोक गहलोत उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात में चुनाव का प्रभार संभालने की, और जिस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पर रहा था उसके पीछे मास्टरमाइंड अशोक गहलोत को ही माना गया और उन्हीं की रणनीति रही जिसके तहत पिछले कई सालों में कांग्रेस ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी ने जो अपना मिशन रखा था विधानसभा चुनाव में गुजरात उसको छू भी नहीं पाई, और उसी फॉर्मूले को प्रदेश में अपनाया जा रहा है। जयपुर शहर लोकसभा सीट हॉट सीट्स में से एक है, पिछली बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनते देखा और इस बार एक बड़ा मुकाबला बनते लोग यहां पर देख रहे हैं, और इसी बीच इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है फेस टू फेस विद सीएम, आम लोग हैं, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, कई बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फिर भी नाउम्मीदी हाथ लगती है, सीएम से मुलाकात नहीं हो पाती, और ये कैंपेनिंग का ऐसा तरीका है जिसमें सीएम से वो रूबरू भी हो पा रहे हैं, सीएम खुद उन्हें चुनाव सामग्री बांट रहे हैं, चुनावी पर्चे बांट रहे हैं जिसमें उनके प्रत्याशी के लिए वोट की अपील है। और अहम बात यह भी है कि लगे हाथ अगर कुछ लोग खुशकिस्मत रहें तो एक दो सेंटेंस की बातचीत भी सीएम से हो सकती है, ऐसे में उन्हें एक मौका मिल सकता है अपनी बात सीएम तक पहुंचाने का, अपनी बात सीएम के सामने रखने का। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिल रहा है। आने वाले दिनों में गोवर्धन मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए अमूमन जो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो होती है वो मतदान से 48 घंटे पहले शुरू होती है और तभी परवान पर नज़र आती है, बीच में ये जो रणनीति अपनाई जा रही है ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अमूमन रोड शो का जो तरीका रखा जाता है उसमें एक बड़ी सी गाड़ी होती है, उस गाड़ी पर आपके सबसे नामी या चर्चित चेहरे चढ़ते हैं और उसके आसपास कार्यकर्ताओं का रैला सा होता है। सीएम को मैंने कभी इस तरह वोट अपील के पर्चे बांटते हुए देखा हो, लोगों के घरों में दस्तक देते हुए देखा हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता।
हाँ देखिए, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब गुजरात में तो प्रभारी थे उस वक्त ये शुरुआत की थी, और अब यह राजस्थान में हो चूंकि मुख्यमंत्री की भूमिका बदल गई है, फिर भी वो गुजरात का जो फार्मूला है वो यहाँ दोहराया गया है और इसका असर भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लोग यहाँ पर क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कृष्णा मार्ग पर बापू नगर में काफी पोस्ट इलाका माना जाता है, और ये इलाके ऐसे हैं जो आमतौर पर परंपरागत तौर से बीजेपी के गढ़ रहे हैं, ऐसे इलाके में मुख्यमंत्री का खुद डोर टू डोर जाना और पर्चे बांटना, ये लोगों को काफी अनएक्सपेक्टेड वो चीज होती है। आमतौर पर इस तरह के नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि मुख्यमंत्री आपके द्वार पर वोट मांगने के लिए आए हैं। अभी छोटी सी दुकान है यहाँ पर, डेरी बूथ है, वहां पर भी जाकर के मुख्यमंत्री ने वोट मांगे हैं, अपना समर्थन मांगा है पार्टी के लिए और पर्चे खुद बांट रहे हैं वो। तो ये एक नया तरह का चुनावी रंग है, हालांकि डेमोक्रेसी के रंग हैं जो देखने को मिलते हैं। तो मुख्यमंत्री भी एक कॉमन मैन के घर पे जाकर के वोट मांग रहा है बिल्कुल। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट गोवर्धन, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ लाइटर नोट पे ऐड कर रहा हूँ जी गोवर्धन, एक लाइटर नोट पे एक बात ऐड कर रहा हूँ कि ठीक है राजनीतिक दल प्रचार के नए नए तरीके सामने ले आते हैं, लेकिन जो प्रशासन होता है और जो सुरक्षा इंतजामों का जिम्मा जिनके हाथ में होता है उनके पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, ये होता ही है, सुरक्षा इंतजामों का भी और जो कवरेज है दोनों के साथ ये काफी कठिनाई वाला पल होता है, लेकिन ये लोकतंत्र के रंग है और चुनावी रंग में ये इस तरह की तस्वीरें इतना कटाई देखने को मिलती है। हालांकि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिख भी रहे, लेकिन बड़े नेताओं का इस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करना वाकई रोचक होता है। जी जी, जाहिर तौर पर वाकई मुश्किल होता है। ये तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस कैंपेनिंग का हिस्सा है और उनकी अपनी यूएसपी है जयपुर में। 5 साल जो पिछली भाजपा सरकार के रहे उस दौरान लगातार जयपुर में सड़कों पर स्ट्रगल करते नजर आए पार्टी के लिए। अमूमन पिछले कई सालों में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना और लोगों की मांगों के लिए लाठियां खाना ये कांग्रेस की खूबी नज़र नहीं आई थी, लेकिन अपवाद के तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास रहे हैं। कई बार टीवी डिबेट्स में भी जब प्रताप सिंह खाचरियावास को बुलाया जाता है तो वो अपने मन की बात करते नज़र आते हैं, खुले दिल से स्वीकार करते हैं क्या सही है क्या गलत है, भले ही पार्टी लाइन से थोड़ा इधर उधर होना पड़े लेकिन वो अपनी राय रखते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा है कांग्रेस का, टीवी डिबेट्स में बचाव करने जिस योद्धा को उतारा जाता है अर्चना शर्मा, वो इसका हिस्सा है। महिलाओं का कितना रिस्पांस मिलता दिख रहा है आपको इस कैंपेनिंग को लेकर, कैंपेनिंग में आपको गोवर्धन? बिल्कुल, देखिए ये सीट एक ऐसी सीट है जयपुर, जहाँ जयपुर और जयपुर ग्रामीण और दौसा तीन सराउंडिंग सीट है, तीनों पर ही महिला उम्मीदवार है। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल है, जयपुर ग्रामीण की कृष्णा पूर्णिया है और सविता मीणा दौसा से है, तो काफी रोचक मुकाबला है। और कांग्रेस के पास कहने के लिए ये एक स्पीच है कि यहाँ पर उसने वीमेन कैंडिडेट को मौका दिया है, तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है और कांग्रेस के लिए ये एक काफी प्रेस्टिजियस सीट भी इसको माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का सवाल भी इसको बना रखा है। और लगातार गोवर्धन, मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से आगे बढ़ना है और जिस तरीके से कवरेज करना है, और इस बीच अगर मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपनी उपस्थिति भी वहाँ पर दर्ज करानी है, एक रिपोर्टर के लिए भी ये थोड़ा ऑफ बीट है, रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए किस तरह से आप इसे अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपसे आगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान पूछने की कोशिश करूंगा, लेकिन